पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारियों का जायजा लिया है और उन्होंने 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। बता दें कि कल्याण सिंह के दाह संस्कार के लिए कुल 25 किलो चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की गई है और आर्य समाज के 11 आचार्य अंतिम संस्कार पूरे वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराएंगे। आचार्यों में रणधीर शास्त्री, दीपक शास्त्री, आचार्य अविनाश शास्त्री, महेंद्र देव हिमांशु, मवासी सिंह शास्त्री, नरपत सिंह, सुभाष कुमार आर, मनोज कुमार शास्त्री, जनेश कुमार सत्यप्रकाश शामिल रहेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद शनिवार रात लखनऊ के SGPGI में निधन हो गया था। दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 89 वर्षीय कल्याण सिंह 4 जुलाई से SGPGI में भर्ती थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रविवार को अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ में उनके आवास विधान भवन और भाजपा कार्यालय में रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं CM योगी समेत कई बड़े नेताओं ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर 1989 में हुए आंदोलन में कल्याण सिंह लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुख्य भूमिका में थे। 24 जून 1991 को कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से विवाद के बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया और 2004 में कल्याण सिंह फिर भाजपा में शामिल हुए। 2009 में कल्याण सिंह ने फिर से भाजपा से नाता तोड़ा था और वह एटा से निर्दलीय सांसद चुने गए। आज कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम अन्य VVIP लोग मौजूद रहेंगे और इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। देखिए बाबूजी, शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों के दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। आप परसों से देख रहे हैं लगातार, भगवान राम ने जिस काम के लिए भेजा था उन्होंने पूरा काम कर दिया और फिर भगवान ने श्री राम ने अपने पास बुला लिया। बाबू जी को लेके सभी लोग दुखी हैं, परिवार सबसे ज़्यादा दुखी है। अब उनकी जो दामोदर पूरा आपका राज चुका है, किस तरह से उनको आगे लेके जाएंगे? मैं सभी लोगों की जन भावनाएँ जो बाबू जी के प्रति उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। मेरा पूरा परिवार और मेरे सभी पार्टी के कार्यकर्ता लोग अभी कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहेंगे, सब यात्रा में कौन कौन है, जैसे आपने मुख्यमंत्री मौजूद है, रात स्टेशन में क्या वो भी मौजूद है? सब यात्रा सब लोग आ रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, दो गवर्नर आ रहे हैं, मंत्री लोग आ रहे हैं, दो मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, ये नरोरा के अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। सभी यात्रा यहाँ से कितने बजे प्रारंभ कर दी जाएगी? यहाँ से 9 बजे निकलेंगे, 3 बजे अंतिम संस्कार होगा।